हेलो दोस्तों, रियल सिविल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टील की रिइंफोर्समेंट कैसे चेक करते हैं ये देखेंगे। ये GB23 बीम है और इसकी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। तो हम देखेंगे कि ये इन्होंने जो स्टील बांधा है वो सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बॉटम रिइंफोर्समेंट लिखा है, इसमें क्या लिखा है, स्ट्रेट बार 2 बार 16 के और कर्टेल 1 बार 16 mm का। तो यहाँ पे ये जो बॉटम रिइंफोर्समेंट होती है वो स्ट्रेट होता है, इसका मतलब जो कॉलम टू कॉलम होता है। ये देखिए 216 के बीम यहाँ पे दिए गए हैं, आखिर तक गए हैं। और दूसरा कहा है कि कर्टेल 116 का। तो कर्टेल क्या होता है, जो कि सेंटर में आता है, लेफ्ट साइड को अराउंड उन्होंने स्पेसिंग दिया होता है कि L/5 छोड़ो और राइट साइड को L/5 या L/7, डिपेंड कि आप ड्राइंग देखिए उस हिसाब से। ये कर्टेल मतलब बीच में ही आता है, ये बार 116 का दिया गया है और बॉटम को 216 दिए गए हैं। अब देखते हैं कि टॉप रिइंफोर्समेंट क्या दिया है, स्ट्रेट दिया है 2 बार, फिर वही मतलब स्ट्रेट मतलब एंड तक। ये देखिए ये 2 बार 12 के दिए गए हैं, ये और ये, और जो कि स्ट्रेट में गए हैं आखिर तक। अब आगे दिया है एक्स्ट्रा टॉप लेफ्ट, मतलब ये जो बीम है इसके लेफ्ट को 216 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 बार दिए गए हैं 216 के, एक्स्ट्रा टॉप लेफ्ट साइड है, ये बीम की लेफ्ट साइड है। और ये इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक का L/4 और इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक का L/4 मिला के ये बार बांधते हैं इधर। ये देखिए इधर से जाके ये इस तरफ आया है। अब देखते हैं राइट साइड को क्या दिया है, राइट साइड को 116 दिया है। जब कॉलम एंड होता है, मतलब इसके आगे कोई बीम नहीं है इस कॉलम के आगे, तो L/5 पे बांधते हैं। मतलब डिपेंड्स करता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या रेकमेंड करते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए L/5 पे ये एक्स्ट्रा टॉप दिया गया है। और स्टिरप देखिए, स्टिरप का स्पेसिंग जो है कॉलम को कॉलम के एंड में, मतलब लेफ्ट और राइट में 100 mm दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 mm, एक सेकेंड, 100 mm मिडल में 150 और राइट को फिर 100 mm। सो ये स्टिरप जो कि लेफ्ट साइड को 100 mm के स्पेसिंग पे बांधे गए हैं, और जैसे जैसे आप मिडल में आएंगे तो 150 स्पेसिंग किया है, और फिर आप राइट एंड को जाएंगे तो फिर स्पेसिंग कम किया है, मतलब 100 mm किया है। इस तरह से आप बीम चेक कर सकते हैं, जहाँ पे बीम एंड होता है वहाँ पे यल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे डेवलपमेंट लेंथ, और जहाँ पे बीम एंड नहीं होता, मतलब कंटिन्यूस होता है, वहाँ पे एल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आप स्ट्रेट कर सकते हो, मतलब थ्रू आउट बीम बार यूज कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप कभी भी बीम को लैपिंग जो है वो मिडल में मत दीजिए, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट वगैरह मिडल में ज़्यादा होती है। सो बीम का सेक्शन बीच में वीक नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ लैपिंग किधर किया, ये आप देख सकते हैं इधर ये जो लैपिंग किया गया है, इधर से जो बार आ रहा है वो उसको इधर लैप किया गया है। ये देखिए ये 2 बार ये लैपिंग कॉलम के जंक्शन में करते हैं, बीच में नहीं करते। ओके, यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें चेक करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।